दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके पापा के ब्लॉग में। और आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, ध्यान से भरपूर हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती है। भैया मंदिर को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी है, मैं बहुत ही खोज से निकला हूँ। और चैनल पर बने रहिए, वीडियो को नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी हमारे जस्ट पीछे मंदिर की आवाज़ आ रही है, तो हम आपको लेकर चलते उस मंदिर में और उसका इतिहास बताते हैं। साधु दासी काटी भव सागर से फांसी, हम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हंस अवतार भगवान विष्णु जी की परंपरा से हैं। हम भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, लक्ष्मी हमारी इष्ट है, हम उदासीन पंचायती बड़े अखाड़ा के संत हैं, हमारी ये परंपरा है। यहाँ पे हमारे आदि उदासीन आचार्य जगत गुरु चंद भगवान नानक देव जी के पुत्र थे, उन्होंने उदासीन संप्रदाय को बेस दिया और आगे बढ़ाया। इसी में बाबा वलखंडी साहब आए और तमाम संत महापुरुष शनकादिक में, जैसे उदासीन पंचायती में जो है परशुराम जी आए, नारद मुनि आए, भगवान राम आए। भगवान राम के बाद में कहते हैं तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष हम वनवासी। तो ये उदासीन संप्रदाय है। उदासीन का मतलब दुखी नहीं होता है, उदासीन का मतलब होता है उदमाने ब्रह्म आसीन मीन्स चिंतन, जो उस ब्रह्म के चिंतन में लगातार रत रहे, लगा रहे, उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन का लोग पर्याय अलग तरह से मान लेते हैं, लोग कहते हैं दुखी आत्मा होती है तो उदासीन भेष में, नहीं उदासीन भेष है। प्रथम भय संकाद उदासी काटी भव सागर से फांसी, ये उदासीन परंपरा है हम लोगों की। और ये मात सुलक्षणा नानक जी के पुत्र या उनकी पत्नी जो सुलक्षणा, उनसे दो पुत्र हुए, एक श्रीचंद्र एक लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद गृहस्थ जीवन में रहे, उनसे एक संतान थी, उसका नाम था धर्मचंद। और उदासीन भेष में भगवान आचार्य जगत भूषचंद राय, उन्होंने इस धर्म को आगे प्रसार प्रसार किया और बढ़ाया आगे चल के। इसी में निर्माण की संभाजी में वो महाराष्ट्र के ही थे, वो इस भेष में आकर उन्होंने उदासीन पंचायती या बड़े अखाड़ा का निर्माण किया। तभी से उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा हमारा नाम जाना जाता है, हिंदुस्तान में जगह जगह डेरे हैं। आप यहां से भीवापुर जाइए, वहां बाबा निर्वाण पीतम दास जी महाराज की तपस्थली है, जहां उन्होंने शिला में बैठ के तपस्या किया, वो स्थान विद्यमान है। यहां हमारे बाबा त्रिवेणी दास के आगे पहले बहुत से संत आए, उन्होंने तपस्या किया, बाबा त्रिवेणी दास ने भी तपस्या की, साधना की, उनकी भी यहाँ समाधि बनी है। वर्तमान में महंत श्री शिवानंद जी महाराज जी हैं, जो उदासीन पंचायती अखाड़े के वो एक मुकामी संत थे, उनको एक कार्यभार सौंपा गया है। वो अच्छे तरीके से यहाँ संतों की सेवा कर रहे हैं, अवभगत कर रहे हैं, समाज भी आता है, सभी तरह से वो करवटशील व्यक्ति हैं। और इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार के लिए नगर पालिका से संबंध है, लगे हैं। तो ये अपना ये मंदिर है जो कितने सालों से, मतलब अपने अखाड़े है जो 400 साल से है, शिवलिंग है। लेकिन अभी ये क्या है मंदिर, शायद मुझे लगता है 400-500 साल का रिकॉर्ड है। हाँ ये मंदिर दब चुका है बाजार के बीच में, बाजार के वजह से आधुनिक काल में है, थोड़ा मंदिर नहीं था यहाँ, 500 तो पक्का जाता है ना जी, तो यहाँ मंदिर का रिकॉर्ड किया गया, धोने साहब ने ओपन था पहले, इसको बाबा त्रिवेणी दास ने अपने भक्तों के माध्यम से, बाबा त्रिवेणी दास आए, वो भी मुकामी थे, वहाँ से मुकामी पद छोड़ के यहाँ आए,
यहाँ रहे, इसका जीर्णोद्धार उनके जो तमाम भक्त थे अनुयायी थे वो सब जुड़े और इस आश्रम का कार्यकल्प हुआ। तो ये बिल्डिंग के वजह से इस मंदिर का आविर्भाग दब गया। हाँ, वो। लेकिन यहाँ लोकल जितने भी है नागपुरवासी हैं जिनकी श्रद्धा आस्था है जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो आते हैं, अभी भी आते हैं, डेली आते हैं, सुबह शाम सभी आरती पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं। तो ये आपका निवास स्थान यहाँ पर है? यहाँ ये संत निवास है। संत निवास, तो इनमें आपके जो गुरु महाराज है उनका चित्र वगैरह कुछ नहीं? वो चित्र अभी तो महंत जी हैं जो पूर्व के महंत थे, महंत त्रिवेणीदास, उनका शरीर पूर्ण हो गया है। नए महंत हैं, महंत शिवानंद हैं, तो इस समय हरिद्वार में गए हुए भ्रमण में है, भ्रमण करके आते हैं, संतों की सेवा व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो महाराज जी, तो उनका अगर चित्र वगैरह है तो हम दिखा सकते हैं महाराज लोगों का जो आपसे उनका बाबा त्रिवेणीदास जी के सब भगत वगैरह हैं, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मंदिर बनवाया, आश्रम बनवाया, सब इन लोगों की देन है। बाबा त्रिवेणीदास जी ने बहुत से भक्तों को जोड़ा और इस आश्रम को नई दिशा दी। ये त्रिवेणी दास जी, ये हमारे आचार्य जगदोष चंद जी महाराज, श्री चंद भगवान। अच्छा, ये श्री चंद महाराज जी जिन्होंने इनकी शुरुआत करी। इनका यहीं पर समाधि स्थल, इन्होंने आके इसको आश्रम को बनाया अपने भक्तों के माध्यम से, और इनके द्वारा जो जोड़े गए संत जी ये जो हैं, ये हैं, ये हैं, ये उन्हीं की परंपरा में आए हैं, इनको आश्रम सौंपा गया। लाइट का ये उदासीन संप्रदाय का, और ये ऊपर जितने हैं ये सब महापुरुषों की है जो है यादगार में उनकी प्रतिमाएं फोटो में बना के लगाई गई है। ये कौन सा कहानी है जो संत जी घोड़े से उड़ते हुए उनको? ये नानक देव जी के बेटे हैं, पुत्र ये लक्ष्मी चंद है, इन्होंने एक शिकार हिरण का शिकार किया था, ये उनके और भाई है बाबा आचार्य श्री चंद जी महाराज, तो इनको कहा था कि आप ये पाप कर्म करते हो भगवान के दरबार में लेखा जोखा देना पड़ेगा, तो ये लेखा जोखा देने के लिए आकाश में उड़ा दिया। ये उनकी कथा है ये, ये सब वो सब बिल्कुल नाथ संप्रदाय से। बाबा जी की जटा भी देखिए, इनके पैर से ज्यादा लंबी इनकी जटा है। बाबा जी खोल के बताइए, एक बार खोल के बताइए, देखिए पैर से ज्यादा लंबी जटा है ये। देखिए हम भी उदासीन संप्रदाय से ही पड़े अखाड़े से, जटा देखिए इनका, हम शिव का ही शिव रूप मान बना के रहते हैं, अपने वेशभूषा को अनवरत आगे बढ़ाते हैं। महाराज का दाढ़ी भी बहुत, तो महाराज जैसे संप्रदाय का चला आ रहा है तो यहाँ पर जैसे और भी डेरे आते हैं अंदर से, तो उनको एक यहाँ पर आने के लिए जैसे हमें ही काफ़ी तकलीफ हुआ पूछते 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 पूछते, तो ये यहाँ पर पहले सरकार के द्वारा एक जो वो होता है जैसे लगाया जाता है बोर्ड वगैरह, फिर वो कुछ ऐसे संप्रदाय अखाड़े अपने नामी गामी का कुछ, यहाँ अभी वो सरकार की व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो है यहाँ पर कुछ मंदिर यहाँ बिखरा है, हनुमान जी का वहाँ, महादेव जी का वहाँ, तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है मंदिर की नागपुर के नगर देवता का मंदिर। अच्छा, नागेश्वर मंदिर, चलो उसको भी हम दिखाएंगे अभी जाके। आपके पीछे इधर जाओगे थोड़ा तो नाग संप्रदाय का आश्रम। अच्छा, जस्ट पीछे, हाँ वो डायलिंग को ही हम देखना, कोई अखाड़ा कोई संप्रदाय छोटा बड़ा नहीं, नहीं वो तो सब शिव के पास आ गए, सब अपने अपने ऊपर साधना के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना साधना करके आगे बढ़ता है। चलो एक बार मंदिर का मैं एक बार पूजा हो रहा था तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उदासीन समाज के जो यहाँ का जो मठ है तो उसका आपको धुनी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर धुनी रमी हुई है, और इनके अलावा जो भी यहाँ समाज के यहाँ पर रहे हैं महाराज उनकी यहाँ पर तस्वीर है। यो रोगी बाबा बंज खंडी सी, इनके यहाँ पर जानवर भी सेवा करते थे, देख रहे हाथी वगैरह है, और इनकी एक पुरानी फोटो और है वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर भी ऐसे ही दिखाया गया, और अन्नपूर्णा माता से इनको वो प्राप्त हुआ है कमंडल, तो थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट, और ये जितने भी संत हैं आदरणीय माता पिता गुरुजी, इनकी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की हुई है। इसके अलावा एक नीचे भी रास्ता जाता है जो समाधि है,
महंत ईश्वरदास जी की और इनके फोटो वगैरह है, इनने समाधि जिन्होंने ली है यहाँ पर हरिदास जी में, जो समाधि है इनका जो भ्रमलीन समाज है। इसके अलावा पराकुनाथ मठ भी है, जो अलग अलग मठ यहाँ पर स्थापित हुए पड़े हैं। और यहाँ ये जो भैया निर्माण दिन जो यहाँ पर गणेश जी का जो प्रतिमा है, हनुमान जी और गणेश जी का, ये जो मंदिर है ये महादेव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। इनकी दीवारों पर देख सकते हो यहाँ पर पूरे के पूरे गुंबद, और ये आप शिवलिंग देख सकते हो। और दोस्तों, तो आज उदासीन, हमने आपको उदासीन मठ दिखाया था और इसकी जानकारी दी थी। और ये मठ के अधीन ये जो मंदिर है आपको दिखा सकता हूँ, ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर, और इसका पता ही है, भारत माता चौक के जस्ट मूर्ति के सामने से गली जा रही है एक मंदिर के बाजू, उसमें आओगे तो आपको ये मठ मिल जाएगा। बने रहिए बाबा के ब्लॉक में।